एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस फ्रीक बाय राहुल यादव। सो आज की जो मेरी वीडियो है एक ऐसे फैट बर्नर के बारे में है जो बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इसे, जो कि है क्लोमा ब्लैक स्पाइडर। इसका सेम मिथाइल ब्रेन भी आता है, मैंने इससे पहले इसकी वीडियो डाली थी, आप उससे भी यूज कर सकते हैं एज वेल आप ये फैट बर्नर भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, हिट द बेल आइकन, व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल न्यू वीडियो। ये फैट बर्नर है, इसके अंदर 100 कैप्सूल्स मिलेगी और जो प्राइस रेंज है 1800 टू बिटवीन 2200 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, यूज कैसे करना है, कौन कौन ले सकता है, साइड इफेक्ट्स। ब्लैक स्पाइडर का जो मेनली पर्पज है वो ये है, मैक्सिमम फैट लॉस करेगा और मैक्सिमम आपकी जो एनर्जी लेवल है वो एनहेंस कर देगा। जब भी आप ब्लैक स्पाइडर यूज करोगे या कोई भी आप सप्लीमेंट या लाइक कोई भी फैट बर्नर अगर आप यूज करते हो, तो आपको अगर घबराहट सी हो रही है या आपकी स्लीप साइकिल खराब हो रही है, तो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो गई है, तो ये होता है स्टार्टिंग में। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जब भी हम कोई फैट बर्नर यूज करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अप हो जाता है और हमारी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे आपका फैट लॉस और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एक साइकिल होता है जब भी आप कोई फैट बर्नर यूज करते हैं। अब जब भी ये फैट बर्नर आप यूज करोगे तो रैपिड वेट लॉस और रैपिड फैट लॉस आपका होना शुरू हो जाएगा, बट आपका वर्कआउट और डाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लीज इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जब आप अपना कोई भी फैट बर्नर यूज कर रहे हैं तो प्लीज कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड यूज मत करना, क्योंकि ये उस चीज पे रिएक्ट करता है फैट बर्नर। जब आप कोई जंक फूड खाओगे तो आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा या आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम ये फैट बर्नर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये फैट आउट करता है आपकी बॉडी से, फैट रिड्यूस करता है, तो आप दोबारा इसको फैट दोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाइक गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको थोड़े से साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ जाएंगे अगर आप जंक फूड या फास्ट फैट बर्नर के साथ यूज करते हैं। इस फैट बर्नर के अंदर हर्ब्स और विटामिन्स भी है, जिसमें आपकी बॉडी को हेल्प करता है वेट लॉस में और मसल रिकवरी में हेल्प करता है। जब आप इसे यूज करते हैं तो आपके मसल भी रिड्यूस नहीं होते, उसे रिकवर करता है, एज वेल एज आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि साइड इफेक्ट, जब अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं हुआ, ऑथेंटिक नहीं हुआ, तो आपको साइड इफेक्ट और ओवरडोज कोई भी ना करें। जो इस पे रिकमेंडेशन है उतनी ही आपको डेली डोजेज लेनी है। स्टार्टिंग कोई भी फैट बर्नर 1 कैप्सूल से करें, उसके बाद 2 या 3 भी के बाद अपनी साइकिल इंक्रीज कर सकते हैं, 2 कैप्सूल कर दें, 2 से ज्यादा इनटेक ना करें प्लीज, फिर वो ओवरडोज होता है। इन पर्पज ऑफ दिस फैट बर्नर की ये आपके वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी, आपका जो फोकस लेवल है, मेंटल अवेयरनेस लेवल है, आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस करना, वो सारा इस फैट बर्नर के आपका कवर हो जाता है और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है जब आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर वर्कआउट के साथ इस फैट बर्नर को इनटेक करते हैं। कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन नहीं? 18 साल से नीचे वाले बच्चे फैट बर्नर यूज नहीं कर सकते, गर्ल्स यूज कर सकती है, बट प्लीज अगर आप कोई मेडिकेशन या ऑलरेडी कोई सर्जरी आपकी और रखी है या कोई मेडिकल या मेडिसिन यूज करते हैं, प्लीज कोई ये फैट बर्नर यूज ना करें, या कैफीन सेंसिटिव वाले लोग इस फैट बर्नर को यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हैं, आपका कोई मेडिकल बैक हिस्ट्री नहीं है, तो आप इस फैट बर्नर को यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग से 1 कैप्सूल ओनली। लाइक अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वर्कआउट 2 टाइम कर दें, मॉर्निंग में कार्डियो और शाम को आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट में मिलेगा और आपकी वेट लॉस जर्नी और ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपका वेट रिड्यूस और फैट रिड्यूस करने में। लेना कैसे है, आप मॉर्निंग में, मैंने बता दिया 35 मिनट्स पहले मॉर्निंग में, और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो इवनिंग से 30 मिनट पहले या 35 मिनट्स पहले इस फैट बर्नर को ले सकते हैं। इससे आपका, उसके बाद आप देखना आपको एनर्जी लेवल और आपका वर्कआउट थोड़ा एनहेंस हो जाएगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, आपको डायरेक्टली मैं सारा कुछ समझा दूंगा, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ ग्रेट डे, बाय।